स्थित आशीनगर जोन के ओसीडब्ल्यू कार्यालय पर बसपा द्वारा मटका फोड़ आंदोलन किया गया। परिसर में बड़ी संख्या में पानी की किल्लत के चलते यहां के नागरिक बड़े ही परेशान है, इसीलिए बसपा के कार्यकर्ताओं ने यह अनोखा आंदोलन कर सोए हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। मैं विवेक किशोर सांगोड़े 4/4/2022 को अपने बच्चे को लेके अंबेडकर हॉस्पिटल रुग्णालय जो इंदौरा में उपस्थित है वहाँ पे लेके गया था। जब मैंने वहाँ पे चिट्ठी निकाली तो 20 रुपये की पर्ची काटी गई, मगर उस 20 रुपये की पर्ची के बाद में मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया। तब डॉक्टर साहब फ़ोन पे वार्तालाप कर रहे थे और फ़ोन पे वार्तालाप आधा घंटा तक चला उनका। उसके बाद में जब उनसे ट्रीटमेंट की मांग की गई तो ट्रीटमेंट किया गया और रिसेप्शन में उनका चेकअप होने के बाद में उन्होंने 3 दवाइयाँ लिख के दी। 3 दवाइयाँ 3 किस्म की होती है और 3 किस्म की दवाइयाँ लिखने के बाद में उन्होंने वो दवाइयाँ लेने को बोला गया। तो मैं जब दवाई लेने के लिए दवाई काउंटर पर गया तो उस दवाई काउंटर पर एक ही किस्म की दवाई मिली। तो मैंने उनसे वार्तालाप किया कि आप तो यहाँ पे 3 दवाइयाँ लिखी हुई है लेकिन आप मुझे एक ही दवाई दे रहे हो, तो हमने क्या करना चाहिए। उनका ये वार्तालाप था कि आपने जो दवाइयाँ लिखी है तो उसमें दवाइयाँ लेना है तो लो, क्योंकि हमारे पास में एक ही किस्म की दवाई अभी अवेलेबल है। तो मैंने पूछा कि जब डॉक्टर साहब ने 1 की जगह 3 लिखे हैं तो आप 1 ही क्यों दे रहे हो, तो बोले कि प्राइवेट अगर लेना है तो लो, नहीं तो फिर आप प्राइवेटीकरण हॉस्पिटल में जाओ।